अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, फिजिक्स सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक 1.6 मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें नेट मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स और उनके लीस्ट काउंट्स के बारे में हमने जाना था। आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन 2016 में लाहौर बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी, व्हाट डू यू नो अबाउट मीटर रूल। मीटर रूल के बारे में लिखना है। मेन हेडिंग सारे वर्ड कैपिटल डबल अंडरलाइन, पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। ये मीटर रूल जो आप घर में क्लासरूम में आप लोग स्केल यूज करते हैं वो होता है ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर का। क्योंकि इसका नाम है मीटर रूल, तो लैब में जो स्केल यूज होगा लेंथ मेजर करने के लिए वो होगा 1 मीटर का। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी हम जिस मीटर रूल की बात कर रहे हैं वो इस जो स्केल है इससे 3 times ऑलमोस्ट बड़ा होगा। मीटर रूल लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। अब सवाल ये है कि लेंथ क्या होती है। लेंथ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 points होती है। मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, तो इसका मतलब है आप इस लाइन की लेंथ फाइंड करें। तो हमारे पास मीटर रूल का इंट्रोडक्शन होगा। इट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 points। अ मीटर रूल हैज बीन शोन इन द फिगर। ये मीटर रूल का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। आप देखें कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर। और अगर पूरे का पूरा मीटर रूल हो तो वो 100 सेंटीमीटर का होगा। सेंटीमीटर के अंदर मार्क हुआ हुआ है। अब हर सेंटीमीटर के दरमियान में 10 छोटी लाइनें हैं। इन छोटी लाइंस को मिलीमीटर कहते हैं। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं स्केल। मीटर रूल का इंट्रोडक्शन हो गया कि ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्केल इट इज 1 मीटर लॉन्ग। मीटर रूल 1 मीटर लॉन्ग होता है, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ईच सेंटीमीटर जिस तरह ये है, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 समाल डिवीजंस। ये हर सेंटीमीटर के दरमियान में 10 छोटी लाइनें हैं। ये मिलीमीटर की हैं। इनको मिलीमीटर कहा जाता है। ये स्केल के बारे में, यानी मीटर रूल की लेंथ 1 मीटर होती है, जैसा कि नाम से जाहिर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मीटर रूल से कम मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट हो सकती है, क्योंकि दो छोटी लाइंस का फासला 1 मिलीमीटर है। द मिनिमम लेंथ और मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो मेरा सवाल है कि इस मीटर रूल से कम
आप कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। क्यों? कि इसमें छोटी से छोटी लाइन 1 मिलीमीटर की है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है वो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। ये मीटर रूल के बारे में थी, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके लीस्ट काउंट के बारे में। अब हम देखते हैं कि मीटर रूल को यूज करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं। देखते हैं मीटर रूल से अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो आपकी जो आई है वो मीटर रूल की स्केल के बिल्कुल सीधी ऊपर होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि ये मीटर रूल है, इसके ऊपर ये स्केल बनी हुई है, तो आप यहां वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप राइट या लेफ्ट होगी तो मेजरमेंट डाउटफुल हो जाएगी, मेजरमेंट में मिस्टेक आएगी। ऐसी मिस्टेक जो आर्म की पोजीशन की वजह से आती है उसे पैरेलेक्स एरर कहते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या है? व्हाइल मेजरिंग द लेंथ और डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल वी शुड कीप द आई वर्टिकली अबव, आंख बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ द आई इज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट। अगर इधर होगी राइट को या लेफ्ट को होगी आंख, तो पोजिशन में आंख की पोजिशन की गलती की वजह से रीडिंग में डाउट आएगा। आंख बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए यहां पे। इसका मतलब है कि आंख की पोजीशन की वजह से, आंख की गलत पोजीशन की वजह से एरर आ सकता है। इस एरर को पैरेलेक्स एरर कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मीटर रूल को यूज करूं और पैरेलेक्स एरर ना आए तो आपकी आंख वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मीटर रूल था, इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स याद करनी चाहिए आपको। जब भी पेपर में आप फिगर बनाएंगे तो फिगर को आपने ब्लॉक में क्लोज करना है। ब्लॉक में मैंने क्लोज पहले नहीं किया हुआ ताकि ये आप प्रैक्टिस खुद से करें। ये ब्लॉक में बंद हो जाएगी बॉक्स में और यहाँ पे फिगर की आप हेडिंग देके उसको लेबल करेंगे, फिगर को टाइटल देंगे। इसका टाइटल बनेगा पैरेलेक्स एरर और टाइटल को आपने सिंगल अंडरलाइन करना है। इसका टाइटल बनेगा करेक्ट मेथड टू यूज मीटर रूल, करेक्ट मेथड या करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, सिंगल अंडरलाइन। थैंक यू वेरी मच।